साल की बच्ची का जबर जनाह तो बाद किया कतल। अदालत ने 5 साल बाद दोषी नु दित्ती फांसी की सजा। 25,000 रुपए का लगाया दोषी नु जुर्माना। 10 रुपए का लालच दे के बच्ची नु किया गया सी किडनैप। गुरुग्राम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला दिया है, जिसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप के और हत्या के मामले में आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। इस वक्त मेरे पास सरकारी वकील जो है वो साथ है, उनसे ही बातचीत करते हैं। क्या ये पूरा मामला था, कब का था और आज क्या कुछ फैसला कोर्ट ने दिया है? सर, क्या था ये पूरा मामला, क्या सजा सुनाई गई है इस केस में? आज माननीय जज साहिबा श्रीमती शशि चौहान ASJ स्पेशल कोर्ट पॉक्सो एंड स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आज इस दुर्दांत अपराधी को 376 AB के तहत मृत्युदंड की सज़ा और 302 के तहत भी मृत्युदंड की सज़ा और इसको 25,000 रुपये का जुर्माना जो की सज़ा सुनाई है और इसी और इसके साथ साथ 10,00,000 रुपये कंपनसेशन है जो डिसीज्ड की परिवार को इंटरिम रिलीफ के तहत दिया जाएगा। ये पूरा मामला कब का था और कितने दिन ये मामला कोर्ट में चला है? 12/11/2018 को बाई नेम FIR दर्ज हुई थी और ये इंसिडेंट था 11/11/2018 का, डेड बॉडी रिकवर, जिस दिन डेड बॉडी रिकवर हुई बाई नेम FIR थी, क्योंकि इस दुर्दांत इसको अपराधी को जो 3 विटनेसेस और थे प्रोसिक्यूशन के, जो 2 बच्चियां और थी 6 और 7 साल की थी दोनों बच्चियां, और ये जो डिसीज थी दुर्भाग्य ये 3.5 या 4 साल की थी बेचारी, इसको उसने कोशिश करी थी कि भी इनको प्रेज करके उसको बहला फुसला को, वो तो बेचारी दोनों लड़कियां निकल ली वहाँ से, इस लड़की को बहला फुसला के अपने साथ ले गया और इस की जो CCTV फुटेज थी इसमें स्पेसिफिकली ये दिखाई दे रहा है कि इस लड़की को अपने साथ ले जाता हुआ क्लियर पिक्चर है वो, उसमें भी टाइमिंग के साथ है और कुछ टाइमिंग के बाद ये फिर वापस आता हुआ दिखाई दिया था अकेला बदहवास स्थिति में। और इसकी जो 19/11/2018 को इसको अरेस्ट किया गया था तो 21/11 को जो इसने अपने कपड़े रिकवर कराए थे, जो इसने एक्सक्लूसिव जो इसकी डिस्क्लोजर के आधार पर और डिस्क्लोजर जो इसने जहाँ इसको छुपा के रखा था उन कपड़ों को जहाँ छुपाया था उन कपड़ों से जो इसकी एक पैंट थी और जो स्पॉट से जो ईंट और आट और जो जो चीज़ें मिली थी और चीज़ें मिली थी जो भी वहाँ कपड़े और वो जो सलाइवा जो भी था उसके तहत जो मटेरियल वहाँ से स्पॉट से कलेक्ट किया गया था उससे DNA इसका मैच हुआ और जो 3 गवाह थे जिन्होंने इसको स्पेसिफिकली उस लड़की को ले जाते हुए देखा इसका एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन भी है, तो ऑनरेबल कोर्ट ने साइंटिफिक तथ्यों के आधार पर ओकुलर एविडेंस के तहत आधार पर मेडिकल एविडेंस के आधार पर और जो भी सरकमस्टांशियल एविडेंस थी उसको मद्देनजर रखते हुए इस दुर्दांत अपराधी को क्या ये गुरुग्राम की पहली सजा है? जो अभी बता दो जो इसका जो एक कृत्य था उसके लिए इसको ये सजा दी गई है और ये शायद गुरुग्राम में पॉक्सो एक्ट के तहत महेंद्र बच्ची के साथ किए गए अपराध में पहली फांसी की सजा है। ऐतिहासिक फैसला है। ऑनरेबल जज साहिबा ने ये एक नजीर पेश की है कि ऐसे दुर्दांत अपराधी को किसी भी हालत में स्पेयर ना किया जाए। ये जो अगर ये अपराधी जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्या इसका पहले भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड था या वो नेचुरली इस तरह की चीजें लगातार कर रहा था, क्या इस तरह का कोई पहला रिकॉर्ड? इसके खिलाफ ऐसे इन्वेस्टिगेशन में तथ्य आए थे कि कुछ केसेस जिसके खिलाफ पेंडिंग है जो भी ब्रूटल कैटेगरी के हैं कि ये आदमी जहां भी कोई धार्मिक उत्सव होता था कोई ओकेजन होता था तो वहां ये किस कोशिश में रहता था कि छोटी बच्ची को कैसे शिकार बनाया जाए और इसी के चक्कर में ये छोटी बच्ची अपनी रक्षा तो कर नहीं पाती, ये किसी न किसी तरह प्रलोभन दे के या किसी तरह उनको अपने साथ ले जाने में कामयाब रहा है जिन्होंने इसने इतना इस बच्ची के साथ किया। और भी कुछ केसेस हैं जो इसके पेंडिंग चले हुए हैं, 4-5 केसेस और पेंडिंग हैं इसके। जो 10,00,000 रुपए का जो जुर्माना लगाया गया है, क्या वो राशि पीड़िता के परिवार को दी जाएगी? हाँ जी, वो पीड़िता के परिवार को, पीड़िता नहीं है तो डिसीज बेचारी उसको परिवार को दी जाएगी, कुछ उनको रिलीफ मिलेगी, आज उनको भी कुछ जस्टिस मिला है, न्याय मिला है, उनके जो उनको लॉस हुआ उसको तो कुछ की तो पूर्ति नहीं की जा सकती कि उन्होंने अपनी बच्ची से हाथ धोए उसमें, लेकिन फिर भी ऑनरेबल जज साहिबा ने एक मरहम लगाते हुए 10,00,000 रुपए की सहायता के लिए जो इसमें आदेश दिए हैं वो उसके परिवार को दिए जाएंगे और ये भी बहुत अच्छा फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है। बिल्कुल, तो गुरुग्राम कोर्ट का आज अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसमें कि माइनर बच्ची की रेप के बाद हत्या मामले में फांसी की सजा सुनाई गई है।
धर्मवीर शर्मा, न्यूज 18, गुरुग्राम।